कितनी ठंड है। अरे आगे आप लोग, आप सबका स्वागत है सोना टिप्स में। मैं हूँ सोनाली, आपकी दोस्त। कुछ दिन क्या नहीं आई, आप लोग तो भूल ही गए मुझे शायद। मैं आप लोगों को नहीं भूली। तो दोस्तों, विंटर का सीज़न आ चुका है और मैं कुछ वजह से परेशान थी, बट मैंने सोचा था कि पहले ही आपको विंटर स्किन केयर के बारे में आपको बता के आप लोग कोई मिस्टेक ना करो। और मिस्टेक करने से पता ही है आपको, ऐसे ही हमारे इतनी रूखी हसूखी हवा चलती है तो उसमें हमारी स्किन की धजियाँ उड़ जाती है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है विंटर सीज़न। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलिए, जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, बट मैं अब थोड़ा सा लेट हो गई मैं आप लोगों को बताने में, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही सारे स्टेप मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ, वो सारे स्टेप आप फॉलो कीजिए। मैं वादा करती हूँ आपका कोई आपका विंटर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपका ड्राई स्किन भी है ना, तो भी आप इस स्टेप्स को फॉलो करते करने के बाद जब आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, तब आप कभी याद करोगे कि सोनाली ने बोला था और मेरा भी आपका भी कभी ड्राई स्किन था, आप भूल जाओगे। यस, आप ये भूल जाओगे और ये मिरेकल हो सकता है अगर आप मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करो। तो सुबह आपको करना है 5 स्टेप्स फॉलो और रात को करनी है 4 स्टेप्स, बस आपका काम ख़त्म। तो थोड़ा सा तो टाइम आपको निकालना होगा आपके स्किन, बट बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बोलूँगी मैं कि ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस घर की जो चीज़ें हैं, जो रूटीन में आप फॉलो करते हो, उसी चीज़ को बस अच्छे से आपको बताना है कि ये सारे स्टेप आपको फॉलो करो और ये सारे आप स्किप ना करो। ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं जो मैं बाप। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की, ऑलरेडी बहुत देर कर चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले ही जो कर रहे हैं आपको, सुबह उठ के पहले करना है फेस वॉश करना है आपको, अपने किसी भी जो आपको पसंद है उस तरीके से किसी भी फेस वॉश से आप अपने फेस को धो लीजिए जो आपको सूट करता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सौंदर्य फेस वॉश जो कि है पतंजलि का, और इसके अंदर मौजूद है नीम, तुलसी, घृत कुमारी, ये सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर है। और इसमें पैराबिन फ्री है, ये ऑरेंज पील भी है इसके अंदर, और ये मेरे फेस पर बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मैंने इससे अपने फेस को धो लिया। अब एक अच्छे से साफ टॉवल से या फिर किसी सूती के कपड़े से अपने फेस को पोंछ लेना है, धीरे धीरे हल्के तरीके से, आपको रगड़ना नहीं है फेस को। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप जो है टोनर। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ आयुर का टोनर, और जो लगभग ख़त्म ही हो चुका है और थोड़ा सा बचा है, और उसको मैं कॉटन पे एक ले लूँगी और अपने फेस को अच्छे से पोंछ लूँगी। आपको टोनर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैं जो जो स्टेप बता रही हूँ उसको एक किसी को भी आपको ये स्किप नहीं करना है दोस्तों, बस इतना आप ध्यान रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। और आपने इसको टोनर से भी आपने जब अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, टोनिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके बाद आपको लगाना है आयुर का इसके बाद आपको यूज़ करना है लॉरियल का, मतलब आप कोई भी डे क्रीम यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लॉरियल का डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि समर विंटर हर सीज़न के लिए परफेक्ट है। मैंने इसका रिव्यू भी डाल रखा है, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो वहाँ आप देख सकते हैं और उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। आयुर के बारे में भी मैंने डिटेल में एक रिव्यू डाला है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर मॉइस्चराइज़र कोई भी अपने पसंद की मॉइस्चराइज़र आपको लगा लेनी है। तो यही था थर्ड स्टेप। अब जो आता है फोर्थ स्टेप, वो है आपका बॉडी लोशन लगाना। तो बॉडी लोशन आप कोई भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे निविया का यूज़ करने वाली हूँ जो दावा करता है कि 48 आवर्स तक ये आपका मॉइस्चराइज़र को गायब नहीं होने देगा। तो मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया। तो आप भी इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्किन आपका फेस का स्किन जितना ज़रूरी है, उतना ही आपकी बॉडी का स्किन भी उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आप जब भी आप बॉडी लोशन यूज़ कर लो, देखिए आप कितना स्मूथ हो चुका है स्किन, सही में बहुत अच्छा है निविया का। तो अब आपको यूज़ करना है सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन अगर धूप
मतलब ठंड के मौसम में हम ज़्यादा धूप के बाहर जाते हैं, धूप लेते हैं, सेकते हैं धूप। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ केयासेट का एक सनस्क्रीन जो है 75 SPF है इसका, UVA UVB है। और ये है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी, प्यारी सी खुशबू है, इसमें पैराबिन नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैंने इसको भी यूज़ किया है। तो अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में भी एक डिटेल में रिव्यू डाल दूंगी। तो आपको सनस्क्रीन अपने हाथों में और जहाँ जहाँ आपका जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके स्किन में पड़ती है वहाँ पे आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका डे का रूटीन जो था वो ख़त्म हो गया। अब नाइट केयर में जो आपको रूटीन फॉलो करना है वो बस 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है, आपको एक फेस पैक बनाना है। कोई बाहर की चीज़ नहीं है, आपके घर में बेसन तो ज़रूर मौजूद होगा, हल्दी भी ज़रूर मौजूद होगा, बट हाँ कस्तूरी हल्दी लेना है आपको या फिर कच्चा हल्दी ले लेना है, क्योंकि आप जो खाने में यूज़ करते हो वो हल्दी नहीं लेना है आपको। उसके साथ आपको लेना है हनी, हनी और उसके साथ थोड़ा सा आप ऑयल मिक्स कर सकते हैं अगर आपका एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो। आपका ड्राई स्किन है तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन ऑयल स्किन वालों के लिए सिर्फ आप हनी ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अब इसका पेस्ट जो बना दिया आपको इसको कुछ देर तक पूरे फेस पे आपको लगाना है और उसके बाद इसको रख देना है कुछ 10 से 20 मिनट तक। आपको हाथों पे भी लगा लेना है अगर बच जाता है, और अगर नहीं भी बचता है तो भी आप इतना ज़रूर बना लीजिए कि आप अपने हाथों पे भी लगा सकें और अपने गले पे भी लगा सके। मैं यहाँ पे बस अपने फेस पे लगा रही हूँ और अपने हाथों पे भी मैं लगा लेने वाली हूँ। गले में लगा लेना, और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे स्किन में भी हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते दोस्तों, तो इसीलिए ये स्टेप फॉलो तो करना मैं बहुत 20 मिनट ज़रूरी बाद होता अपने है। फेस को धो लूँगी, पर मैंने अपने हाथों को पहले ही धो लिया है। अब देखिए मैंने अपने हाथों को 20 मिनट से पहले धो लिया है, और ये देखिए मैं एक सूखी हुई टॉवल से उसको अच्छे से पानी सोख पोंछ दिया। अब देखिए कितनी स्मूथ हो चुका है मेरे हाथ, कितने ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं मेरे स्किन। तो इसी तरीके से आप अपने रातों में ज़रूर अपने हाथों पे या अपने किसी भी और जगह पे जहाँ पे बॉडी पार्ट्स में आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठंड का मौसम है, हाथ पैर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि मॉइस्चराइज़र वहाँ पे टिका रहे तो ही बेहतर है। बट अपने अब फेस पे मैं फेस को भी धोने जा रही हूँ, तो चलिए मैं फेस को धो लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है, अब इसे सूखे टॉवल से मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी, और आप भी किसी सूखे टॉवल से या सूती के टॉवल से आप पोंछ सकते हैं। देखिए स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है, मुझे बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। क्या पता आपको ठीक से दिख रही होगी कि नहीं, पता नहीं, बट एक इंस्टेंट ग्लो भी आ चुका है मेरे फेस पे। तो आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें। हल्दी, बेसन और हनी ये बहुत ज़्यादा हमारे स्किन के लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा डायलॉग नहीं दूंगी क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और क्यों हल्दी, बेसन ये सब ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहते हो तो। बट आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मलाई यूज़ करना। आपको मलाई ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना अगर आपका ऑयली स्किन है तो। आप मलाई के साथ थोड़ा सा चीनी को पेस्ट कीजिए, दानादार चीनी मत लीजिए, चीनी को पेस्ट कीजिए। उसके बाद उसके साथ उसको स्क्रब की तरह अपने फेस पे यूज़ कीजिए। और अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप ऐसे ही मलाई को लीजिए और कुछ देर तक अपने फेस पे मसाज कीजिए। रेगुलर आपको 5 मिनट तक तो मसाज करना है, उसके बाद आपको इसे कुछ देर तक छोड़ देना है अपने फेस पे, मैक्सिमम आधा घंटा तो हो सके तो, या फिर 20 से 25 मिनट आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद ठंडे पानी से आपको बस फेस को धो लेना, बस यहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है। तो देखा दोस्तों इसमें कोई पैसा लगा नहीं लगाना, तो बस ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हो अपने स्किन के लिए। और मलाई तो जो भी आपके जो ड्राई स्किन वाले हैं उन लोगों के लिए एकदम वरदान है। मलाई हो गया, घी हो गया, ये सब बहुत मतलब आपके ड्राई स्किन को गायब कर देने वाली चीज़ है। अब जो लास्ट स्टेप है हम उस पे चलते हैं। तो 10 मिनट बाद मैं उसमें जाने से पहले 10 मिनट बाद मैं अपने फेस को चलिए धो लेती हूँ। और देखिए मैंने अपने फेस को धो लिया,
ठंडे पानी से बस हल्का करके ऐसे ही धो लेना है और कुछ नहीं करना है, और आप इसे पोंछ लेना है। अपने कोई भी अच्छी साफ़ टॉवल से इसको पोंछ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप पे करना है नाइट क्रीम यूज़ करना है। आप जो भी नाइट क्रीम आपको सूट करता है, कोई भी नाइट क्रीम अगर आपको सूट करता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप रात को बोरोलिन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है बोरोलिन हमारे स्किन को। ये आपके स्किन को अगर आप रेगुलर आप यूज़ करोगे, आपका स्किन का टेक्स्चर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बोरोलिन। और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी क्रीम यूज़ कर सकते हो उसमें थोड़ा सा बोरोलिन आप ज़रूर यूज़ करिए। मेरा तो मानना है कि बोरोलिन एक बेस्ट नाइट क्रीम है। कितने भी प्रोडक्ट आए जाए लेकिन बोरोलिन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मुझे तो यही लगता है। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बोरोलिन एकदम वरदान है, तो आप यूज़ ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताना। तो आखिरी और लास्ट जो स्टेप है वो है अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना। तो इसके लिए आप ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि अगर आपके हाथों में झुर्रियाँ भी आ गई हो ना तो भी आपके हाथों को 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आपके हाथों में। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो इसके साथ आप ज़रूर थोड़ा सा गुलाब जल यूज़ कीजिए। बस आपको अब सो जाना है, अच्छे से नींद ले रही है, बस आपका काम खत्म। मेरे सारे जो स्टेप्स थे वो आपने ज़रूर ध्यान से देख लिया होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले याद दिलाना चाहती हूँ, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन ज़रूर दबाने लेना, घंटी भी ज़रूर दबा लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए तो आप तक पहुँच जाए। तो चलती हूँ, नमस्ते।